हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था रेशो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो लिक्विड रेशो के बारे में बातचीत की थी। आज हम रेशो एनालिसिस टॉपिक के अंतर्गत आपसे दो महत्वपूर्ण रेशो के बारे में बात करेंगे, एक तो एवरेज कलेक्शन पीरियड और एक एवरेज पेमेंट पीरियड। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही पेपर में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला आपके सामने है, डेबिटर्स प्लस बीआर बटे नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज। सेकंड, एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला आपके सामने है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी अपॉन नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 360 और 365 लिए जा सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो आप 360 या 365 में से कुछ भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिए गए हैं डेज वो लेंगे। तो आइए पहला हम एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है टोटल सेल 5 लाख, कैश सेल्स 1 लाख, सेल्स रिटर्न 40,000, डेबिटर्स 45,000, बीआर बिल्स रिसीवेबल 10,000 एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 5,000। और कहा गया है कैलकुलेट दी एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है कि टोटल सेल 5 लाख आपको दी गई है और कैश सेल आपके सामने 1 लाख और सेल्स रिटर्न। टोटल सेल में से पहले आप कैश सेल लेस करेंगे तो ये क्रेडिट सेल बचेगी और क्रेडिट सेल में इंक्लूडेड मानी जाती है सेल रिटर्न, तो उसमें से ये लेस करेंगे। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन नेट क्रेडिट सेल्स और यहाँ पे लिखिए आप टोटल सेल्स जो आपके सामने हैं 5 लाख और इसमें से लेस कीजिएगा कैश सेल, ये आपकी है यहाँ पर ₹1 लाख। तो आपके सामने आ गई टोटल क्रेडिट सेल, ये आपकी आ गई आपके सामने 4 लाख और इसमें से लेस कीजिएगा सेल्स रिटर्न, ये आपकी सेल्स रिटर्न है 40,000। तो यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो 3,60,000 आपके सामने है। सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी होती है, वो आपकी आ गई 3,60,000। अब आपके सामने फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, जिसका फार्मूला आपके सामने है। डेबिटर्स आप देख रहे हैं 45,000 है प्लस बीआर आपके सामने है 10,000, नेट क्रेडिट सेल आपकी 3,60,000 और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग डेज 360 दिए गए हैं। तो यहाँ आपके सामने 55,000, 3,60,000 मल्टीप्लाई 360,
तो आप देख रहे हैं ये आ गया 55 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन का जो एवरेज पीरियड है वो 55 डेज आया, और जो क्वेश्चन 55 डेज आपके सामने है। और जैसे कि बीकॉम फाइनल में आपका टिक मार्क का पेपर आएगा, उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और ये आंसर कैलकुलेट करके आप के आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दी गई होगी उस पर आपको टिक करना होगा। अब सेकंड नंबर पे हमारे सामने कैलकुलेट करना है हमें एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड में भी आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट परचेज। कैलकुलेशन नेट क्रेडिट परचेज, कैलकुलेशन नेट क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहले देखिए टोटल परचेज आपके सामने, यहाँ पर टोटल परचेज आपके सामने है, यहाँ पर टोटल परचेज 8 लाख ये लीजिए। इसमें कैश परचेज लेस कीजिएगा, कैश परचेज जैसा कि आप देख रहे हैं 1,50,000 है, इसको हम इसमें से लेस कर देते हैं, ये 6,50,000 आपके सामने है। इसके बाद लेस करना है हमें परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमारे पास है 50,000, ये लेस कर दिया। यहाँ हमारे सामने आ गया नेट क्रेडिट परचेज। अब हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन एवरेज पेमेंट पीरियड की, और एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला आपके सामने है, एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू, तो यहाँ एक बार फिर लिख लेते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड डेबिट क्रेडिटर्स प्लस बीपी बटे नेट क्रेडिट परचेज नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यहाँ पर हमारे सामने क्रेडिटर्स 50,000 दिया हुआ है, ये लिख लिया, क्रेडिटर्स 50 प्लस बीपी 10,000। इसके बाद नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट किया हमने 6 लाख, नंबर ऑफ वर्किंग डे 360, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो आप 360 मान सकते हैं या 365, और अदरवाइज जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डेज लेंगे। यहाँ पर ये हो गया 60,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ पर ये आ गया 36 डेज। तो एवरेज पेमेंट पीरियड हमारा 36 डेज आया है, और ये दोनों ही एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो कोई प्रॉब्लम है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।